कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर वन, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी मुशरफन जयपुर। प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप पुणे। श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती श्रीमान एवं पुत्री की ओर से गुप्तदान। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र अठवीह कम मुके अठ गुण ढे अणोव मे सिद्धे अठम पुण विण विठे निठी कजेय वंदि मोनिचम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में आपने सुना था कि कुछ लोग शरीर के वेश को धारण करके, चाहे निर्ग्रंथ वेश हो या अन्य वेश हो, उस धारण करने को ये मानते हैं ये मोक्ष का मार्ग है। पर शरीर का वेश या द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं होता। मोक्ष मार्ग तो आत्मा के विशुद्ध परिणाम वाले होते हैं। अब आज हम गाथा करेंगे 115 पृष्ठ 109 निकालें। नय हो दिमोक्ष मग्गो लिंगम जम देहलिम ममारिहा लिंगम वेतु दंसन प्राण चरितानि सेवन्ते। मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर देखें, नय होदि मोक्ष मग्गो लिंगम, अर्थात लिंग माने जो शरीर का वेश है यह मोक्ष मार्ग नहीं होता है। शरीर का वेश मोक्ष मार्ग नहीं है। जम, क्योंकि देह से निम्ममा माने ममत्व छोड़कर अरिहंत भगवान लिंगम मुत्तु लिंग को छोड़कर दंशन दर्शन ज्ञान और चारित्र का सेवन करते हैं। अगर शरीर का वेश ही मोक्ष मार्ग होता तो अरहंत भगवान शरीर से निर्ममत्व क्यों होते? क्योंकि उनको वह भी आवश्यक था, लेकिन नहीं, शरीर का वेश आवश्यक नहीं, वह मोक्ष मार्ग नहीं। फिर देखें एक बार, नय हो दि मोक्ष मग्गो लिंगम, शरीर का वेश मोक्ष मार्ग नहीं होता है। जम, क्योंकि देह से निर्मम अरहंत भगवान लिंगम मुत्तु लिंग माने शरीर के वेश को छोड़कर दंशनान चरितानि सेवन्ते, दर्शन ज्ञान चरित्र का सेवन करते हैं। लिंग को छोड़कर का मतलब ये नहीं जो निर्ग्रंथ अवस्था थी उसको छोड़ दिया उन्होंने, नहीं, वो तो है, लेकिन उसका आधार है शरीर। अब शरीर से जब निर्ममत्वपना हो गया तो फिर लिंग आधार कहाँ रहा? लिंग से उनका कोई संबंध नहीं रहा। इसलिए कहा, क्योंकि देह से निर्ममत्व वाले अरहंत भगवान लिंग माने शरीर के आधार पने को छोड़कर दर्शन ज्ञान चरित्र का सेवन करते हैं। वास्तव में मोक्ष मार्ग क्या है? दर्शन ज्ञान चरित्र का सेवन। जो द्रव्यलिंग होता है वो तो उसके आधार से होता ही होता है। पंडित जी, द्रव्यलिंग और भावलिंग में क्या अंतर है? द्रव्यलिंग का मतलब है शरीर का वेश और भावलिंग का मतलब है आत्मा के परिणाम। किसी ने मुनि अवस्था धारण की तो मुनि अवस्था का धारण करना ये द्रव्यलिंग है, और तदयोग्य आत्मा के परिणाम होना ये भावलिंग है। पंडित जी, द्रव्यलिंग और भावलिंग वाले मुनियों का गुणस्थान कौन सा होता है?
मुनि के योग्य परिणाम जब है तब भावलिंग है। मुनि के योग्य परिणाम का मतलब अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, इन तीन कषायों का अनुदय, मात्र संजुलन कषाय का उदय। जब ये स्थिति होती है तब गुणस्थान छठा या छठे से ऊपर के गुणस्थान बनते हैं। तो छठा गुणस्थान और छठे से ऊपर के गुणस्थानों में मुनि के योग्य परिणाम होने के कारण वे मुनि महाराज भावलिंगी हैं। और कदाचित कोई मुनि महाराज भावलिंगी हों और उनके प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय आ जाए तब उनका गुणस्थान छठे सातवें से गिर के पाँचवा हो जाएगा और पाँचवें गुणस्थान में फिर मुनि के योग्य परिणाम नहीं रहे। तो पाँचवें गुणस्थान के अगर मुनि महाराज हैं तो उनका द्रवलिंग हो जाएगा। इससे क्या तात्पर्य बना? द्रवलिंगी मुनि महाराज के गुणस्थान एक से पाँच तक और भावलिंगी मुनि महाराज के गुणस्थान छः और छः से ऊपर के, इस तरह होते हैं। बहुत से लोगों की धारणा ऐसी है कि द्रवलिंगी मुनि महाराज का पहला गुणस्थान होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। धारणा अपनी ठीक करें। एक गुणस्थान से पाँचवें गुणस्थान तक मुनि महाराज के प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय हुआ, मुनि के योग परिणामों की विशुद्धि से नीचे गिरे, श्रावक की योग विशुद्धि में आए तो भावलिंग खत्म हो गया। अब वे मुनि महाराज द्रव्यलिंगी हो गए। तो द्रव्यलिंगी मुनि के गुणस्थान एक से पाँच, भावलिंगी मुनि के गुणस्थान छः और छः से ऊपर वाले। पंडित जी, लिंग मोक्ष मार्ग क्यों नहीं है? जो अभव्य जीव मुनिलिंग धारण कर घोर तपश्चरण करके ऊपर गर्वेक तक जाते हैं, क्या उनके मुनिलिंग नहीं होता? होता है। क्या मुनिलिंग में कोई दोष लगता होता है? वो भी नहीं होता। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उनका गुणस्थान तो पहला रहता है। पहला क्यों रहता है? कि ऊपर का वेश तो इन्होंने ठीक कर लिया पर आत्मा के जो परिणाम होने चाहिए थे मुनि बनने के योग, वे उनकी योग्यता नहीं होने के कारण नहीं बन पाए। इसलिए लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। हम और अच्छी तरह बोलें, द्रवलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, भावलिंग मोक्ष मार्ग है। भावलिंग माने मुनि के योग्य परिणाम। और इसीलिए नीचे उन्होंने लिखा, क्योंकि अरहंत भगवान शरीर से निर्ममत्त होकर, शरीर को अपना आधार न बनाकर दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करते हैं। इसलिए भावलिंग मोक्ष मार्ग है, द्रवलिंग नहीं। पंडित जी, क्या भावलिंगी बनने के लिए द्रवलिंग आवश्यक है? अच्छी तरह सुने। द्रव्यलिंग हो अर्थात मुनि के योग्य सही वेश हो, पर भावलिंग हो या नहीं हो, पर अगर भावलिंग है तो निर्दोष द्रव्यलिंग होना अति आवश्यक है। जब तक द्रव्यलिंग निर्दोष नहीं तब तक भावलिंग का प्रश्न नहीं उठता। फिर एक बार देखें, द्रव्यलिंग हो, मुनि की चर्या का पालन सही हो, लेकिन भावलिंग हो या नहीं हो, लेकिन भावलिंग है, मुनि के योग्य परिणाम है, तो द्रवलिंग तो होगा ही होगा। क्या अरहंत भगवान द्रवलिंग का ध्यान नहीं रखते? अगर अरहंत परमेष्टि द्रवलिंग का ध्यान रखेंगे तब तो उनका जो रत्नत्र है कैसे हो पाएगा। शुद्धोपयोगी मुनि महाराज भी द्रवलिंग की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। वे तो अपने आत्मा के परिणामों की ओर ध्यान रखते हैं। अरहंत भगवान की तो बात ही क्या है, वो तो देर स्नेह से निर्ममत्त तो हैं, इसलिए उनकी तो बात ही छोड़ो। शुद्धोपयोगी मुनि महाराज भी शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। उनका द्रवलिंग बिल्कुल सही द्रवलिंग है, लेकिन अगर उसकी ओर ध्यान रखेंगे तो फिर शुद्धोपयोग कैसे बनेगा। इसलिए द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं, द्रव्यलिंग को आधार बनाकर होने वाला जो भावलिंग है वह मोक्ष का मार्ग है। द्रव्यलिंग के बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। इसलिए द्रव्यलिंग सही हो, उसको आधार बनाकर जो वास्तविक आत्मा के परिणाम है मुनि बनने के योग्य रूप भावलिंग, वह मोक्ष मार्ग है। पंडित जी, द्रव्यलिंग की ओर ध्यान रखने से क्या उत्पत्ति होगी? किन्हीं मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। उपसर्ग से शरीर में तरह तरह की बाधाएं, तरह तरह के चिन्ह और क्षति पहुंच रही है। अगर वे मुनि महाराज
उस शरीर की ओर ध्यान देंगे तो शरीर से राग द्वेष होने के कारण फिर निर्ममत्वपना कैसे बनेगा। जिसने मेरे शरीर पर ये सब उपसर्ग किया है उसके प्रति द्वेष हो जाएगा और शरीर का देखो क्या हाल हो गया, शरीर के प्रति राग हो जाएगा। फिर अगर ऐसा राग द्वेष उत्पन्न हो गया शुद्ध उपयोग कैसे बनेगा। इसलिए जो शुद्धोपयोगी मुनि महाराज होते हैं वे तो मात्र आत्मा को आधार बनाते हैं, आत्मा का ही चिंतन करते हैं, शरीर को आधार नहीं बनाते और उस ओर अपना लक्ष्य भी नहीं रखते। पंडित जी, यदि शरीर पर एक लंगोटी हो तो मुनि के योग भावलिंग नहीं बन पाएगा। शरीर पर लंगोटी अगर है तो इसका मतलब लंगोटी रूप परिग्रह है, ममता है, और अन्य द्रव्य से अगर ममत्व परिणाम है तो मुनि के योग परिणाम कैसे बन पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। अगर किसी भी अन्य वस्तु के साथ या तो भाव से संबंध है या शरीर से संबंध है तब तक मुनि अवस्था के योग परिणाम नहीं बनते। मुनि अवस्था के योग परिणामों के लिए तो अन्य पदार्थों से बिल्कुल निर्ममत्वपना चाहिए, और वो कब होता है, जब तीन कषायों का अभाव हो जाए, और तीन कषायों का अभाव कब होगा, जब लंगोटी भी हट जाएगी। इसलिए लंगोटी भी हो तो मोक्ष मार्ग में बाधक है। तो क्या वस्त्रधारी को कभी मोक्ष नहीं होगा, क्या नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, इस संबंध में गाथा नंबर 116 आचार्य दे रहे हैं। बहुत अच्छी गाथा, देखिए आइए। रवि से जय व्रत धरो जिन सासणे जय बिहोय ते थयरो लगो विमोख मगो से साउ मग गया सवे। रवि से जय नहीं सीजता है, दाल पटलोई में डाल दी, आग पे रख दी, बार बार महिला देखती है अभी सीझी नहीं, अभी सीझी नहीं, सीझी मतलब अभी बनी नहीं, बनी नहीं का मतलब सिद्धि को प्राप्त, अभी दाल तैयार नहीं हुई, इसे कहते हैं सीझना। रवि सिज्जई वत्थ धरो, जो वस्त्र को धारण करने वाला है वो सीझता नहीं अर्थात सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। किसमें ऐसा कहा है, जिन शासनी, जैन शासन में ऐसा स्पष्ट कथन मिलता है। जय भी चाहे वह तीर्थंकर भी क्यों न हो, अगर तीर्थंकर भगवान भी ये चाहे मैं गृहस्थी में हूँ मुझे गृहस्थी में ही मोक्ष मिल जाए, नहीं मिलेगा। मैं छुल्लक एलक बन जाऊँ तो मोक्ष मिल जाए तो भी नहीं मिलेगा, तो क्या होना करना पड़ेगा, द्रव्यलिंग तो धारण करना ही पड़ेगा। यही तो यहाँ कह रहे हैं, जब तक वस्त्र का धारण है तब तक मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष प्राप्त करना है निर्ग्रंथ मुद्रा परम आवश्यक है। देखें रवि सिज्जय वत्थ धरो, अर्थात वस्त्र को धारण करने वाला नहीं सीजता है, सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। जय भी चाहे वह तीर्थंकर भी क्यों न हो, ऐसा जिन शासन में कथन मिलता है। जैन शासन में क्या कहा गया है, हणगो विमोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, अर्थात एक ही लिंग एक्सेप्टेड है मोक्ष मार्ग में, दिगंबरत्व। अगर दिगंबरत्व नहीं है तो मोक्ष मार्ग नहीं है। शेषा इस दिगंबरत्व वाले मार्ग के अलावा जितने भी मार्ग हैं सारे के सारे सभ्य माने सब के सब उन मार्ग हैं, अर्थात गलत मार्ग हैं, वे मोक्ष पहुंचाने वाले नहीं हैं। मोक्ष पहुंचाने वाला तो एक ही मार्ग है निर्ग्रंथ मुनिलिंग। फिर एक बार देखें, नहीं सीजता है वस्त्र धारण करने वाला, ऐसा जिन शासन में कहा है चाहे वह तीर्थंकर क्यों ना हो, तीर्थंकर भी चाहे कि मैं वस्त्र पहने पहने मुक्ति को प्राप्त कर लूं, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है, और नग्नता के अलावा शेषा माने बाकी के सारे मार्ग उन मार्ग हैं। पंडित जी, मोक्ष मार्ग के लिए दिगंबरत क्यों आवश्यक है,
आत्मा के परिणामों में अगर मोक्ष के योग्य विशुद्धि लानी हो तो ये आवश्यक है कि अंतरंग और बहिरंग जितने परिग्रह हैं उन सारे परिग्रहों से आत्मा दूर हो जाए। अगर आत्मा कषाय रूप परिग्रह या बहिरंग 10 प्रकार के परिग्रह में किसी परिग्रह के साथ जुड़ी हुई है तो राग द्वेष होने के कारण भावों में विशुद्धि नहीं बन सकती। भावों में विशुद्धि नहीं बनेगी तो शुद्धोपयोग बनेगा कहाँ से। इसलिए बहिरंग परिग्रह का त्याग आवश्यक नहीं। बहिरंग परिग्रह के त्याग के साथ साथ समस्त कषाय और अंतरंग परिग्रहों का त्याग भी आवश्यक है। जब मुनि महाराज मुनि अवस्था को धारण करने के बाद अपनी साधना को बढ़ाते हैं तब बहिरंग संसार की सारी वस्तुओं से दूर होकर मात्र अपनी आत्मा में लीन पने को प्राप्त होते हैं, तब शुद्धोपयोग बनता है और तब कर्मों की निर्जरा होती है। मुनि महाराज के गुणस्थान ऊपर बढ़ते हैं और अरहंत और सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। इसलिए मोक्ष मार्ग तो नग्नत्व ही है, दिगंबरत्व ही है, बिना दिगंबरत्व के मोक्ष मार्ग नहीं। लेकिन मात्र दिगंबर बनना मोक्ष मार्ग नहीं, बहिरंग में दिगंबरपना हो, समस्त परिग्रह से रहितपना हो और अंतरंग में तदयोग्य परिणाम हो तब वास्तविक मोक्ष मार्ग बनता है। पंडित जी, यदि नग्नता ही मोक्ष मार्ग है तब तो हम एलक महाराज और आलिकाओं को मोक्ष मार्ग नहीं मान सकते। आचार्य महाराज तो इस गाथा में यही कह रहे हैं, नग्गो भी मुख मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। जब तक नग्नत्व नहीं तब तक मोक्ष मार्ग की ओर दृष्टि नहीं, और नग्नत्व होने पर भी मोक्ष मार्ग नहीं। आचार्य तो और ऊपर की बात कह रहे हैं, बिना नग्नत्व तो मोक्ष मार्ग संभव ही नहीं। पर बहिरंग में नग्नत्व हो और अंतरंग में परिणाम तद योग्य हो, अर्थात छठे सातवें और आगे के गुणस्थान के योग्य हो, तो मोक्ष मार्ग बनता है। और जितने भी हैं छुल्लक एलक महाराज या आर्यिका माता जी आदि, ये सब परिग्रह सहित तो होते हैं। अतः आचार्य कुंद महाराज की ये पंक्ति स्पष्ट बोल रही है कि मोक्ष मार्ग अगर है तो नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज प्रतिवर्ष दशलक्षण पर्व के पहले दिन तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का अर्थ करते हैं। मैंने बहुत बार देखा, पिछले 30 वर्षों से मैं आचार्य श्री का तत्वार सूत्र का अर्थ सुनता हूँ, दशलक्षण पर्व में जाता हूँ। जब आचार्य श्री पहला सूत्र बोलते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता ही मोक्ष का मार्ग है, तब जो एलक महाराज बैठे होते हैं, छुल्लक महाराज बैठे होते हैं, तो एलक महाराज से कहते हैं आचार्य श्री, एलक जी, जब तक ये लंगोटी है तुम मोक्ष मार्गी नहीं हो। मोक्ष मार्गी बनना है तो ये लंगोटी तो हटानी ही पड़ेगी। और आचार्य श्री क्या बोलते हैं, ये तो आचार्य कुंद महाराज जो बोल रहे हैं वही आचार्य श्री बोलते हैं। यहाँ कुंद महाराज भी तो कह रहे हैं, नग्गो भी मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। अगर मुनि के पास अगर रंच मात्र भी परिग्रह है तो मोक्ष मार्गी नहीं। और पहले भी आचार्य ने बहुत स्पष्ट कर दिया, यदि थोड़ा बहुत परिग्रह भी होता है तो मोक्ष मार्ग नहीं, और थोड़े बहुत परिग्रह रखने वाले मुनि की गति भी अच्छी नहीं होती। इसलिए नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। पंडित जी, फिर अन्य मत वाले अपने अपने वेश को मोक्ष मार्ग कैसे मानते हैं? अन्य किसी भी मत के पास आत्मा मैली कैसे होती है और मैली आत्मा पवित्र कैसी होती है, इसका वास्तविक विज्ञान है ही नहीं। यही नहीं मालूम आत्मा में ये कर्म मैल आया कि नहीं आया। बहुत से अन्य मत तो ऐसे हैं जो आत्मा का और कर्म का संबंध और उससे संसार का होना ही नहीं मानते। इसलिए फिर ये कर्म कैसे छूटेंगे, इसको कैसे माने। उनके यहाँ मोक्ष का प्रतिपादन, मोक्ष तत्व का प्रतिपादन ही ठीक नहीं है। इसलिए वो अपनी मन मर्जी से किसी प्रकार भी मोक्ष मान लेते हैं, पर वास्तविकता वैसी नहीं है। जैन शासन बहुत स्पष्ट बात करता है,
जैन शासन कहता है जब तक शरीर के ऊपर अंशमात्र भी परिग्रह है, परिग्रह होने का मतलब ममता है, ममता का मतलब राग द्वेष रूप परिणाम है, जब तक वे परिणाम है तब तक मोक्ष के योग्य परिणामों का सद्भाव हो ही नहीं सकता। जब तक राग द्वेष रूप परिणाम है तब तक आश्रव बंद है, और जब राग द्वेष रूप परिणामों की निवृत्ति हो जाती है तभी तो मोक्ष मार्ग बनता है, नहीं तो कैसे बने। इसलिए वास्तविकता में जो कथन जैन शासन में है वही प्रामाणिक है, वही सत्य है, और सत्य है भी क्यों, क्योंकि इसको सर्वज्ञ देव ने बताया है। तर्क से भी देखा जाए तो भी यही सही बैठता है। हमारे पास कोई भी वस्तु हो, थोड़ी हो या बहुत हो, वस्तु का होना ममत्व का परिचायक है, और ममत्व है जब तक तब तक शुद्ध उपयोग का सवाल नहीं। कुछ मत वाले ऐसे भी कहते हैं हमने वस्त्र तो पहन रखे हैं पर वस्त्र से हमें ममता नहीं है। नहीं, ये बात बिल्कुल उचित नहीं। आपने वस्त्र क्यों पहने हैं, वस्त्र की आवश्यकता आपको क्यों प्रतीत हुई, और वस्त्र है तो ममत्व है। आप एक छोटी सी बात सोचें, मान लो आपकी अलमारी में जितना भी सामान रखा हुआ है क्या उस सामान में से कुछ सामान ऐसा है जिससे आपको ममत्व नहीं हो? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। मान लो आपकी अलमारी में एक आलपिन रखी है, आपने रखी है? बोले बिल्कुल मैंने रखी है। क्यों रखी है? समय पे काम में आती है, इसका मतलब ममत्व परिणाम है। इसलिए रंच मात्र भी अगर परिग्रह है तो वह परिग्रह राग द्वेष की उत्पत्ति में कारण है, और जब तक आत्मा में राग द्वेष है तब तक मोक्ष के योग्य परिणाम बनेंगे कैसे। इसलिए पहले द्रव्यलिंग निर्ग्रंथ पना धारण करें, और फिर उसके बाद निर्ग्रंथ पने के योग्य अपने भावों की विशुद्धि बनाएं, तब मोक्ष मार्ग बनता है। पंडित जी, फिर तो अणुवृतों का धारण करना भी उन्माग हो गया। नहीं, अणुवृतों का धारण करना उन्माग नहीं हुआ, ये मोक्ष मार्ग की प्राथमिक अवस्था है। फिर तो आप ये भी कह देंगे फिर तो सम्यक दर्शन धारण करने वाला चौथे गुणस्थान वर्ती जो अविरत सम्यक दृष्टि है वो उन्मार्गी हो गया। उन्मार्गी नहीं, ये उसकी प्राथमिक अवस्था है। पहले सम्यक दर्शन को धारण करें, उसके बाद फिर मान लो देशव्रतों को धारण करें, और फिर महाव्रतों को धारण करें, तब तो महाव्रत बनेगा। पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करके जब अणुव्रतों का पूरा अभ्यास करके परिपक्व हो जाएगा और फिर महाव्रतों में प्रवेश करेगा तो महाव्रतों का पालन बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब तक सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती है, अणुवृत्ति पंचम गुणस्थान वर्ती है, अभी मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ। अब यूँ ले लें सीधी बात, मान लें हमारे छात्रावास में बच्चे पढ़ते हैं शास्त्री बनने के लिए, पहले 2 वर्ष में उपाध्याय होते हैं फिर 3 वर्ष में शास्त्री होते हैं, तो पहले 2 वर्ष में जब वो उपाध्याय पढ़ रहे हैं क्या वो उन्मार्गी हैं? उन्मार्गी नहीं हैं, लेकिन शास्त्री बनने का मार्ग यही है, इसी मार्ग पर चलेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। अणुव्रत धारण करना मोक्ष मार्ग की ओर कदम बढ़ाना है, पर मोक्ष मार्ग अभी शुरू नहीं हुआ। शुरू तो कब होगा? जब नग्नत्व को स्वीकार करेंगे और परिणामों की विशुद्धि भी तदयोग्य बनाएंगे। इसलिए उन्मार्ग मत कहिए। उन्मार्ग यहाँ ये कहा, अन्य मत वाले जो हैं वो अलग अलग मार्ग से मोक्ष प्राप्ति बताते हैं, ये सब गलत मार्ग हैं, इनसे मोक्ष मिलने वाला नहीं। मोक्ष मिलने वाला है तो जैन शासन में कहा हुआ, जो दिगंबरत्व, जो जिन शासन में कहा गया जो दिगंबरत्व या मुनिपना या 24 परिग्रह से रहितपना है वो ही मोक्ष मार्ग है, यही निर्णय अंतिम बनता है। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल, अमिता जैन वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, ऋषभ जैन, शुभम जैन, अलका जैन, सृष्टि जैन एवं समस्त जैन परिवार दिल्ली। स्वाध्याय महिला मंडल बड़ा मंदिर एवं महिला मंडल मंदिर जी मुशरफन जयपुर। प्रकाश पद्मन्ना मुगड़ी, शैला प्रकाश, अनूप प्रकाश, प्रांजल जतिन मेहता, केवल जतिन मेहता, यशवंत नगर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र।
डॉक्टर निर्मला कोठारी एवं कल्याण मित्र स्वाध्याय ग्रुप पुणे, श्री सुभाष जैन, श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती रेणु जैन, श्रीमती अंजलि जैन, श्रीमती आरती जैन, सानवी, वर्धन, आरव, कुवम, सोनीपत, हरियाणा। श्रीमती श्रीमान एवं पुत्री की ओर से गुप्तदान। माणक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुश्रफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान।